आने वाला व्यक्ति अगर कहीं रेडी 2 फीट आगे लगा देता है तो नगर निगम के कर्मचारी उस रेडी को उठाने के लिए और उसका सामान जब्त करने के लिए मिनटों में वहां आ जाया करते हैं। लेकिन अगर बड़े करोड़पति हैं और मॉल बना रहे हैं तो अपनी वैलिड पार्किंग के 100-100 रुपए आप सरकारी जमीन पर वसूल सकते हैं। एक एक फुट की ब्लॉक टाइल्स लगाकर आप 50 फुट की जो है सरकारी प्रॉपर्टी घेर सकते हैं। और जब आपको कोई बात हो तो आप 100-100 फुट की ये जगह घेर कर गमले लगा सकते हैं। गरीब दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो है गमले नहीं, अपनी रेड़ी नहीं लगा सकता, लेकिन एक मॉल जो है जमीन अधिग्रहण जरूर कर सकता है। अब कहाँ गए नगर निगम के कमिश्नर्स, अब कहाँ गए DTP तोड़ने वाले के लिए, अब कहाँ गए नगर निगम के महापौर और डिप्टी महापौर जो इस तरीके की बार बार जो है बात संज्ञान में लाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मामला दबाया जा रहा है। क्या कुछ मामला है, बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। हमारे साथ आरटी एक्टिविस्ट शार्प सिंह गुज्जर मौजूद। भाई बड़े दुख की बात है, अब तक सुना था सरकार जनता के द्वार, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ सरकार अमीर के द्वार। और अमीर के द्वार किस अवस्था में है, मृत अवस्था में है, गुलाम की अवस्था में है, लिटी अवस्था में है, पिटी अवस्था में है, ये आप देख सकते हो। मैं दिखाना चाहूँगा सड़क के वहाँ से लेके दीवार से लेकर कम से कम 70 फीट जगह पर, 70x200 फीट जगह पर इंक्रोचमेंट किसकी है, यहाँ के अमीर व्यक्ति की है। और ये अमीर व्यक्ति के बेस में कौन है, इसके पीछे सरकार है, यहाँ के MLA, यहाँ के मंत्री यहाँ से हिस्सा ले रहे हैं। अरे एक गरीब रेड़ी को उठाकर आप फेंक देते हो, एक दुकानदार का सामान उठाकर फेंक देते हो, तो कहाँ चला गया ये सरकार का बुलडोजर। बात पूछना चाहेंगे, जब 2-2.5 फुट की जगह एक रेड़ी वाला घेरता था तो मेयर साहब ने उनकी रेड़ियाँ उठवा दी, नगर निगम ने उनकी रेड़ियों पर बुलडोजर चलाने का काम किया, लेकिन इस मॉल पर कौन बुलडोजर चलाएगा। देखिए मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ कि ना कानून का जोर चलेगा ना जनता का जोर चलेगा, अरे भाजपा सरकार का बुलडोजर गरीबों पर चलेगा, अमीरों पर कभी नहीं चलेगा। अरे अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, ये पैसा दे रहे हैं, यहाँ खाना खिला रहे हैं, इन भाजपा के लोगों को, भाजपा के मंत्रियों को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के मेयर को पैकेज दे रहे हैं विदेश में भेजने का। और मुझे लगता है 10-20% की हिस्सेदारी भी है। और अकेला एक ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति सरकार के बेस में बैठा हुआ है, मुझे लगता है खट्टर साहब की ताकत इसके अंदर है, इतना बड़ा गुंडागर्दी शहर के अंदर। अरे एक होटलों के मैंने अपनी आंखों के सामने रैंप को तोड़ते हुए देखा, यहाँ के JK रेजिडेंसी के रैंप को तोड़ा गया, बड़े बड़े होटलों के रैंप को तोड़ा गया, रेडियो वालों की रेडियो को उठाकर फेंका गया और दुकानदारों के सामान का चलान किया गया। लेकिन इसकी इतनी बड़ी गुंडागर्दी, ये सरकार है, इसके बेस में सरकार इस मॉल को चला रही है। गमले लग चुके हैं, लोगों के आने जाने का पैदल रास्ता भी नहीं छोड़ा गया, आप देख सकते हो। मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ की जनता को, एक ट्रक खड़ा हुआ है, मात्र 10 फीट की जगह बची हुई है साथ निकलने की। और ये कौन सा रोड है, ये डबल रोड है, 4 हाईवे है, इस पर इंक्रोचमेंट देखिए और गुंडागर्दी देखिए, इस पर कंस्ट्रक्शन भी बनी हुई है, गमले भी लगे हुए हैं 20 फुट तक आकर इसने। सर वैलिड पार्किंग का रेट 100 रुपए बताया गया है, ये आगे भी करेगा गुंडागर्दी, अभी तो ये 100 रुपए पार्किंग का किराया लेगा, अगर यहाँ घुसेगा तो ये उसको खड़े होने का किराया भी लेगा। सरकार की जमीन को बेचने का काम किया गया। और यहाँ के मेयर से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के विधायक से पूछना चाहता हूँ, और ईमानदार मुख्यमंत्री खट्टर से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा ईमान कहाँ चला गया भाई। अरे तुमने हिंदुस्तान बेच दिया, किसान बेच दिया, और हिंदुस्तान बेचने के बाद आज तुमने ये फुटपाथ भी बेच दिया। सर DTP का तबादला हो गया, जो कुछ कहना चाहेंगे। भाई DTP तो सरकार के नौकर होते हैं, सरकार जो इशारा करती है वही अधिकारी काम करते हैं, उनकी मजबूरी है, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो सरकार का आदेश होता है, जो सरकार की मंशा होती है, सरकारी अधिकारी वही काम करेगा। और इसमें तो किसी के लिए सबूत की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सरेआम देख सकते हो। आज कौन सी तारीख है, आज 29 नवंबर 2022 की तारीख है, आप लाइव चला के देख लियो और इनक्रोचमेंट देखिए, बिल्कुल गुंडागर्दी है, यहाँ से किसी को गुजरने नहीं दे रहे। साहब सिंह जी, अधिकारी तो कह रहे थे पुरानी फोटोएं दिखा रहे हैं जिसके कारण ये वायरल हो रही है, तो सब ठीक है। देखिए भाई साहब, ये सरकार के झूठे लोग हैं, ये कहते हैं हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। अरे मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको अमीर व्यक्ति नहीं चला रहा है, इस मॉल को सरकार चला रही है, मेयर की हिस्सेदारी इसमें, विधायक की हिस्सेदारी इसमें। सरकारी जमीन को कोई गोद ले सकता है, ऐसा भी सुनने में आया था कि समाज कल्याण के लिए गोद में इतनी बड़ी जमीन ले ली गई है। देखिए भाई साहब, आप कह रहे थे जी इसने सफाई की है, यहाँ लोगों को चलने के लिए व्यवस्था बनाई है, अरे इतना दानवीर है तो किसी कॉलोनी में जाता, किसी घर की नाली बनाता, कोई टूटी सड़क बनाता, अपने घर के सामने 500 फुट पे कब्जा किया हुआ है। और मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ इसके पीछे मुख्यमंत्री खट्टर जी का हिस्सा हो सकता है, मंत्री का हो सकता है, यहाँ के मेयर का हिस्सा हो सकता है। और आज भी
जनता ने सबक सिखाने का कल भी काम किया था इनको, 414 सीट पर लड़े थे, 22 तक सिमट कर आए हैं, क्यों आए हैं इस तरह की गुंडागर्दी की वजह से? हमें भी डर है, कहीं ना कहीं दबाव हम पे भी बनाया जा रहा है, कल को डर आपको भी होगा, तो क्या अगर हम ऐसा कोई आपकी खबर चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं लीगल एक्शन का डर तो नहीं सताएगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, आप तो वीडियो कहाँ बना रहे हो, पब्लिक प्लेस पे बना रहे हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है कि आप पुलिस के अंदर वहां से भी लाइव चला सकते हो, ये कानून बोलता है। और हमें डराने की क्या जरूरत है, हम तो मोदी से नहीं डरे, हम तो 2 साल तक दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे, कोई बात नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, इसको हटाने का काम अगर बलडोजर नहीं आया तो यहाँ की जनता, यहाँ का किसान इसको उठा के फेंकने का काम करेगा। क्या अल्टीमेटम देना चाहेंगे? देखिए मैं अल्टीमेटम से पहले मैं चाहता हूँ, ईमानदार मुख्यमंत्री जो खट्टर साहब है, बड़े बड़े ढोंग करता है जी, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं चाहता हूं कि अपना बुलडोजर, जो बुलडोजर गरीब पर चला था, जो बुलडोजर यहां के दुकानदार पर चला था, उस बुलडोजर को चलाने का यहां काम करें, हम कहेंगे आप ईमानदार हैं। और उसके बाद अगर आप इसको हटाने का काम नहीं करेंगे तो यहां की जनता, यहां के किसान आकर इसको हटाने का काम करेंगे। तो फिलहाल एनक्रोचमेंट को लेकर आवाज उठाई है साहिब सिंह गुज्जर ने, और आप सभी को जानकारी दे रहे हैं कि एनक्रोचमेंट को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं, क्या कुछ है? लोगों से इतने झूठे व्यक्ति हैं, अरे मैंने देखा यहाँ के गरीब दुकानदार का सामान उठाकर, रेडी में उठाकर अपने नगर निगम के उसमें ट्रक में डालकर ले गए, तो कहाँ चले गए ट्रक इनके, क्या ड्राइवर हड़ताल पे चले गए? अरे बेशर्मो, शर्म करो कुछ तो, अरे अपना ईमान बेच दिया, आज ईमान बेच कर फुटपाथ बेचने का काम कर रहे हो? अरे गरीब की रेडी को उठा के आपने, जिसने 4x2 की जगह पर अपनी रेडी को खड़ा करता है, उसकी रेडी को उठाकर ट्रक में डालकर न जाने कहाँ छोड़ कर आए, तो कहाँ चले गए, क्यों बेच दिया अपने आपको? और यहाँ जो टाइलें बिछी हुई है ना, ये यहाँ पर सरकार लिटी हुई है, सरकार लिटी हुई है, नतमस्तक है, गुलाम है सरकार इसकी। मैं कहना चाहता हूँ खट्टर साहब अपनी ईमानदारी का परिचय दे, और कहाँ गया आपका ढोंग कि मैं बुलडोजर चलाने का काम करता हूँ? अपने भाजपा वाले सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, उस बुलडोजर को लेकर आए, इसको उखाड़ने का काम करे, नहीं तो देश की जनता आपको उखाड़ने का काम करेगी। और उखाड़ा आपको, 414 में से 22 सीट जीत कर आए हो आप, क्यों? आपकी इन गुंडागर्दी की वजह से। एक बार दिखाई यहाँ पर, ये जाम जो लगा हुआ है ना, आप देख सकते हो भाई साहब, 10 फीट की सड़क बची हुई है, एक साइड में ट्रक खड़ा हुआ है, मात्र 10 फीट की सड़क, और कितनी जगह चौड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 400 फीट की सड़क है ये, और पीछे तक देखिए पार्किंग बनी हुई है, लेकिन यहाँ से लेके इस कोने तक इन्होंने कब्जा किया हुआ है, और इसका गेट भी देख लीजिए, 15 फुट इंक्रोचमेंट है इस गेट की भी। आप सरकार ईमानदार है, कल 2 दिन के अंदर इसको फाड़ने का काम करे। अगर इतना ईमानदार व्यक्ति है, सफाई का काम कर रहा है, तो किसी गली में लगा दे टाइलें भाई, किसी गरीब की नाली बना दे, किसी कॉलोनी में जाके काम सर करे। क्या पता टाइलें किसी नेता की फैक्ट्री है? अरे टाइलें तो भाजपा के नेताओं की है बनाई, ये टाइलें बनाने का काम कौन करते हैं? यहाँ के भाजपा के लोगों ने टाइलों के ठेकेदार लिए हुए हैं, आज की तारीख में ठेकेदार भी यही है, बनाने वाले भी यही है, और बेचने वाले भी यही है। आप जब मोदी सरकार ने पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया, तो फुटपाथ बेचना काम तो इनका भी रहेगा, इनके हिस्से में फुटपाथ तो आएगा। इन्होंने फुटपाथ को बेचने का काम किया, जनता की जमीन को बेचने का काम किया। देखिए आपके सामने है, जैसे साहिब सिंह जी ने बताया, ये देखिए ट्रक कहाँ खड़ा है, और आप खुद बताइए रोड्स पे दिन प्रतिदिन हर रोज कोई ना कोई एक नया एक्सीडेंट हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार को लोगों की जान की 1% भी कोई परवाह नहीं है, ये सिर्फ अपनी, मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये सिर्फ अपनी टाइलें बिछाने में बिजी हैं, ये पक्की रोडों को उखाड़ उखाड़ के वहाँ पे अपनी टाइलें बिछाने में लगे हुए हैं, इनको आम जन से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो खुल के कहूँगा ये चीज़ कि इसके अंदर पक्का, मेरे को तो पूरी श्योरिटी, साहिब सिंह गुज्जर जी ने भी कहा कि इनका इसके अंदर हिस्सा है, उसके अंदर कोई दावराएं नहीं है, इसके अंदर छुपे कहीं ना कहीं इनका हिस्सा जरूर होगा, समाज का सुधार हो सकता है, वरना ये भ्रष्टाचारी सरकार जिसको हमने बड़े दिल से वोट दी थी 2014 में, हमने सोचा था कि ये सरकार कुछ करेगी जनता के लिए, आम जन के लिए, लेकिन इन्होंने आम जन के लिए कुछ नहीं किया, लूट झूठ मचा रखी है। नगर निगम का हाल देख लो, जहां मर्जी जाके देख लो, वहां पे इन्होंने भरपूर लूट झूठ मचा रखी है, सिर्फ अपना घर भर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है आम जनता से। धन्यवाद। आप सभी को जानकारी देने की मॉल के बाहर इस समय मौजूद थे, और कहीं ना कहीं एंक्रोचमेंट को लेके सवाल उठते नजर आ रहे हैं। मेरी सभी से अपील, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहेगा, सवाल निशान जरूर खड़े होते हैं कि एक रेडी वाले की रेडी उठाकर फेंक दी जाती है, तो यहां पर क्या कुछ होना बाकी है? तो मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, ताजतरीन खबरों के लिए बने रहिए IBN24 के साथ। नमस्कार। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।